पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहां के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं, और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहां की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उनको लगा है कि जब भी स्मृति ईरानी जी ने संसद में मेरा नाम इस्तेमाल किया वो बेबुनियाद था। कोई आरोप जो लगाए वो उसको प्रूव नहीं कर पाए, और वो हमेशा, मैंने उनको चैलेंज भी किया अपने सोशल मीडिया के द्वारा, मैंने बोला कि अगर कुछ भी गलत होता है, अगर मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूँ तो वो आरोप को प्रूव करे, नहीं तो मतलब वो बिल्कुल बेबुनियाद ऐसे इल्जाम ना लगाए। कांग्रेस की स्थिति क्या है इस समय? आप देख रहे हैं जो पहला फेज था जरूर कांग्रेस के हित में गया, और सेकंड फेज भी लोग बदलाव चाहते हैं, और ये बदलाव का समय है, और वो देख रहे हैं राहुल और प्रियंका की जितनी मेहनत है वो उसको समझ रहे हैं, और वो बदलाव है और वो गांधी परिवार के साथ है। आज द्वितीय चरण का, आज द्वितीय चरण का चुनाव हुआ है, क्या लग रहा है देख करके कि यूपी में किस तरह का रिस्पांस मिलेगा? जरूर अच्छा मिलेगा, लोगों को बदलाव चाहिए, लोगों को ये जो डर है और जो भय सब में डाला हुआ है, जो कोई भी अगर व्हाट्सएप करता है या कोई भी कुछ बोलता है तो उनको लगता है कि कोई ना कोई उनके ऊपर आफत पड़ी आएगी, और जैसे ये ईडी और जो अलग अलग दुरुपयोग होता है एजेंसियों का, उससे लोगों को छुटकारा चाहिए। सर मैनिफेस्टो को लेकर लगातार भाजपा आक्रामक है सर, मैनिफेस्टो को लेकर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। अब तो सर सरिया कानून तक कह दिया गया है, मैनिफेस्टो कानून कहा गया है भाजपा द्वारा। देखिए ये इन लोगों का प्रचार करने का तरीका है, जो असल मुद्दे हैं उसकी बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी महिला की सुरक्षा और इनकी बात नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते, बस जो मैनिफेस्टो और ये वो ऐसी मुद्दे किसको क्या पता है। आप जो लोगों के असल मुद्दे हैं उसकी बात करिए, उसमें देखो कि उनके लिए क्या प्रगति ला सकते हो, उसमें शामिल हो, उसकी बात करें। ये अलग अलग बात करते हैं और राजनीति और ये बिल्कुल गलत तरीका है। और यह जो ईवीएम है उसका ये गलत दुरुपयोग करेंगे, मुझे पता है ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो लोगों को बदलाव चाहिए, और 400 कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा।